हम उन बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं जो एजुकेशन से बहुत पीछे है। सरकार ने बहुत सारी सुविधा दी है एजुकेशन को आगे लेके जाने के लिए, फ्री बुक्स, फ्री एडमिशन। पता नहीं क्यों आज भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन का लाभ नहीं ले पा रही है। तो चलो आज मैं ऐसे बच्चे को जाकर ढूंढूंगी, गाँव में जाऊँगी और ऐसे बच्चे को ढूंढूंगी और समझाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। बताओ आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं घर आई हूँ अपने गांव पे। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गया, रेडी होकर मैं जा रही हूँ एनजीओ पे, जहाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे को पढ़ाने में। तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। तो चलो मैं वहाँ पे होके आती हूँ और आप लोगों को हो सके तो मैं दिखाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे एनजीओ पे। मैं घर से निकल गया तो चलो जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ कच्चे रास्ते से, जल्दी हो जाती है। तो चलो, चारों तरफ नेचुरल है, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो पैदल जा रही हूँ मैं, बहुत दूर है। तो गाइस, मैं एनजीओ से घर आया। घर से अभी जा रही हूँ कुछ अलग जगह पे। मेरे को पता चला कुछ बच्चे हैं वहाँ पे जो पढ़ाई नहीं करते, घर में ऐसे रहते हैं। तो मैं उन लोगों के पेरेंट्स से जाके बात करूँगी और बोलूँगी जो हमारे एनजीओ में भेजो, हम लोग ऐसे फ्री में पढ़ाएंगे, जितना हो सके इतना हम लोग हेल्प करेंगे। तो जाती हूँ अभी, जाके देखती हूँ वहाँ का मतलब क्या हाल चाल है। तो मेरे घर के घर से थोड़ा दूर है, आई थिंक 10 मिनट लग जाएगा पैदल जाने में। तो मेरे मम्मी ने मना कर रही है क्योंकि मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ कभी, कैसे भी मैं घर आने से मैं निकलती नहीं हूँ, सिर्फ एनजीओ पे जाती हूँ। तो मेरे मम्मी मना कर रही है, तो भी मैं जा रही हूँ। तो वहाँ पे जाके देखती हूँ किस टाइप का है, क्या सिचुएशन है। तो मैं उन लोगों पेरेंट्स से बात करती हूँ। भगवान के मंदिर है, चलो माथा टेक लेती हूँ। तो मैं पहुँच गया उन बच्चे के घर में। तो पेरेंट्स घर में नहीं है, मैं इसे रुका हूँ पेरेंट्स से बात करने के लिए। तो जो बच्चे का जो पेरेंट्स है घर में नहीं है, एक पेरेंट्स मिला, मैंने उससे बात किया। तो बोला वो लोग बोला एनजीओ में भेजेगी बच्चे को। तो कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, पेरेंट्स नहीं है। तो मैं बच्चे को जाकर समझाऊंगी। मैं जा रही हूँ अभी बच्चे के पास। तो यही है ये बच्चे जिनके पेरेंट्स को मैं ढूंढ रही थी। तो पेरेंट्स तो मेरे को नहीं मिला। तो पता चला बच्चे यहाँ पर मछली पकड़ रही थी। तो
मैं यहाँ पर आई और बच्चे के साथ बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो चलो देखती हूँ, समझाती हूँ क्या बोलते। तो बच्चे यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, तो मैं जाके उन लोगों के साथ बात किया। बात करने के बाद वो लोग भी बात किया। वो लोग बोल रहे थे उन लोगों का मतलब स्टडी करने का बहुत मन है और ट्यूशन नहीं करते ये लोग, कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है उन लोगों को। तो बोला हम लोग आपके यहाँ स्टडी करने के लिए जाना चाहते, तो हम जाते नहीं है, पता नहीं आप लोग क्या बोलोगी नहीं बोलोगी। तो मैंने उन लोगों को बोला हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे स्टडी करने के लिए खुद से। तो बच्चे को मैंने समझाया, तो बच्चे मेरे को लगता है बहुत समझदार है, स्टडी में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाने में बहुत अच्छे लगते। तो मैं तो कोशिश करूँगी मेरे से जितना हो सके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब कुछ भी मतलब हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूँगी। तो बच्चे के साथ मैंने यहाँ पे रुक के बहुत टाइम बात किया। तो एक बच्चे है ना, तो अभी घर जाना चाहते हैं। मैं और बोल रहे थे मैं और मछली नहीं पकड़ूँगी, अभी जाके घर में जाके बुक्स वगैरह रेडी करूँगी, कल से मैं पढ़ने के लिए जाऊँगी। तो ये बच्चा अभी घर जा रहे, तो देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कशिश रंग ला रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी घर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।